XSL, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज। जनरली यहाँ पे जो एक्सएसएल एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग एक्सएमएल जो फाइल होती है, मतलब एक्सएमएल में जो भी डेटा होता है उसको हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। मीन्स जैसे कि एचटीएमएल के लिए होता है सीएसएस, कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है, ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग को एक्सएमएल को हम लोग को एक बेसिक लेवल का फॉर्मेटिंग हम लोग को देना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एक्सएसएल। ठीक है, यहाँ देखते हैं क्या होता है। एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज इज द नेचुरल कॉम्प्लीमेंट टू एक्सएमएल, ठीक है, एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल इट प्रोवाइड्स लेआउट एंड फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शन इन मच द सेम वे एज कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS डू फॉर HTML फाइल्स। ठीक है, जैसे कि HTML यहाँ पे हम लोग को फैसिलिटी देता है कि CSS के थ्रू हम लोग उसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर सके, उसके लेआउट्स में कुछ चेंजेस कर सके, या फिर कुछ उसके फॉन्ट बैकग्राउंड ये सारा चीज चेंज कर सकते हैं। लेकिन XML जो होता है, XML जनरली क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, लेकिन जो मेन कंटेंट होता है वो HTML में होता है, ठीक है। HTML में हम लोग जितना चाहे बहुत सारे हम लोग यहाँ पे स्टाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन XML में सिर्फ और सिर्फ डेटा ही होते हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैं इस छोटे से एग्जाम्पल को लूँ, छोटे से अगर इस एग्जाम्पल को लूँ मैं, तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये छोटा सा डेटा है, ठीक है, अगर इसमें हम लोग को स्टाइलिंग करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग स्टाइल कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर मुझे इसका फॉन्ट बढ़ाना है तो मैं फॉन्ट बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट, मतलब ये डेटा जहाँ पे भी जाएगा, ठीक है, मतलब ये एड्रेस जहाँ जहाँ भी शेयर होगा, जहाँ जहाँ भी ट्रांसपोर्ट होगा, उसका ये फॉन्ट सेम रहेगा, ठीक है, बैकग्राउंड सेम रहेगा, इस प्रकार से कुछ कुछ चीजें यहाँ पे स्टैटिक कर दी जाती है, ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से डेटा डिस्प्ले होना है वो उसी प्रकार से वहां डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। जैसे बहुत सारे कंपनीज का लोगो होता है, जैसे कुछ कुछ कंपनीज है उसका लोगो जो होता है, लोगो क्या होता है, उसका फॉन्ट एकदम एग्जैक्ट सेम रहता है, ठीक है, तो उन लोग क्या करते हैं, जहां पे भी अगर मान के चलो कोई एक लेटर हेड बनाना है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा लेटर टाइप का प्रिंट करना है, या फिर कुछ बुक पब्लिश हो रही है, या फिर कुछ कहीं वेबसाइट में डेटा पब्लिश हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे कुछ इस प्रकार का, अगर मान के चलो यहाँ पे मैं एक टैग बनाता हूँ लोगो, ठीक है, ऐसा मैंने एक टैग बना दिया और यहाँ पे लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कोई कंपनी है, ठीक है, उसका जो लोगो होगा वो सभी जगह सेम होगा, ठीक है, मतलब जो इसका फॉन्ट होगा, ठीक है, ये सब जगह सेम होगा, ठीक है, तो एक बेसिक स्टाइलिंग इसको दी जाती है, ये एक डेटा है, ये एक डेटा है, ठीक है, तो जहां पे भी मान के चलो ये एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस के पहले मुझे हर बार लोगो लगाना है, ठीक है, जैसे कहीं कहीं हम लोग मेल में देखते हैं या फिर कहीं एड्रेस में देखते हैं तो लोगो के जस्ट बाद उसका पूरा का पूरा एड्रेस लिखा होता है, या फिर जहां जहां माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आएगा वहां वहां उसका लोगो आएगा, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो उस केस पे यहाँ पे हम लोग इस छोटे से वर्ड को एक बेसिक स्टाइल दे सकते हैं। स्टाइल मतलब इसका फॉन्ट क्या होना चाहिए, ठीक है, इसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ठीक है, वो बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ठीक है, तो इस टाइप का बेसिक स्टाइलिंग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी ये डेटा शेयर होगा या ट्रांसपोर्ट होगा, जब भी ये डेटा शेयर होगा या फिर ट्रांसपोर्ट होगा, तो इसकी बेसिक स्टाइलिंग पहले से की गई होगी, हम लोग को अलग से करने की यहाँ पे जरूरत नहीं होगी, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज, ठीक है। दिस अलाउज यू टू ट्रांसफॉर्म योर प्लेन टेक्स्ट डेटा इनटू रिची फॉर्मेटेड टेक्स्ट एज वेल एज डिक्टेट इट्स लेआउट्स ऑन स्क्रीन और प्रिंट विदाउट ऑल्टरिंग योर ओरिजिनल डेटा फाइल्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को जो प्लेन टेक्स्ट मिला है, जो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्लेन टेक्स्ट है, ये सारे प्लेन टेक्स्ट है, अगर इसको रन भी करेंगे तो
कैसे रन होगा? ठीक है, प्लेन टेक्स्ट में रन होगा। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं, मैं यहाँ डी में चले जाता हूँ और ये रहा एक्सएमएल फाइल। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ। चलो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में मैंने इसको ओपन किया। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है एक्सएमएल वर्जन 1.0 एड्रेस, ये सारा चीज। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक्सएमएल है, मतलब ये डेटा ट्रांसपोर्ट होने के लिए रेडी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर इसमें मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ कोई भी चीज की, ठीक है, अगर इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग कर देते, लाइक इसका जो ये माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है बोल्ड होना चाहिए, इसका फॉन्ट अलग होना चाहिए, इस टाइप से हम लोग स्टाइलिंग पहले से कर सकते हैं। तो जब ये डेटा डिस्प्ले होगा, ठीक है, इसको इसको डिस्प्ले करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सएमएल फाइल अगर हम लोग डायरेक्ट रन करते हैं वेब ब्राउजर पे, तो ये डायरेक्टली इस प्रकार से पूरे टैग्स के साथ में डिस्प्ले होता है, लेकिन इसको प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, एड्रेस, एरिया, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, ये सारे डेटा फील्ड्स होते हैं, फील्ड्स के अकॉर्डिंग इसको प्रोसेस किया जाता है। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग को मेन कंटेंट ही देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोग इसको डायरेक्ट रन करेंगे तो पूरा टैग्स के साथ डिस्प्ले करेगा, लेकिन इस डेटा को एक्सेस किया जाता है और वेल डिफाइंड एरिया पे इसको डिफाइन मतलब डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इस प्लेन टेक्स्ट को एक रिची फॉर्मेट देना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज का। ठीक है, सिंपल सी बात यह है, अगर हम लोग को एक डेटा को फॉर्मेट करना, फॉर्मेट करना मीन्स बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, उसका कलर चेंज करना, ये सारी चीजें। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज का यूज करेंगे। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे मान के चलो गवर्नमेंट कोई भी अपना एक लेटर पब्लिश करती है, ठीक है, या फिर जो राजपत्र वगैरह होता है वो सारा पब्लिश करते हैं, उसका फॉन्ट जो होता है वो अलग होता है। वो फॉन्ट किसी को अथॉरिटी नहीं होती कि वो फॉन्ट को कभी यूज करे। ठीक है, वो इंटरनेट में कहीं अवेलेबल नहीं होता, कोई भी उसको बना नहीं सकता। ठीक है, जो करेंसी नोट्स होते हैं, जितने भी 1,000 का नोट, 2,000 का नोट, 500 का नोट, 10 का नोट, 20 का, 50 का, जितने भी नोट्स होते हैं, ठीक है, उसके भी सारे जो फॉन्ट्स वगैरह होते हैं वो अलग होते हैं, वो सारा चीज पहले से वेल डिफाइंड होता है। तो जब नोट प्रिंटिंग वगैरह होती है, ठीक है, जब नोट वगैरह प्रिंट होता है, तो उस समय उसको पहले से डिफाइन कर दिया जाता है, पहले से उसको डिफाइन कर दिया जाता है। और उससे वो क्या होगा, जो डेटा रहेगा वो वैसा का वैसा ही प्रिंट होगा, जो डेटा रहेगा वो वैसा का वैसा ही प्रिंट होगा। तो इसीलिए वहां पे जो इस प्रकार के जो डेटास होते हैं, जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है या फिर कोई एक ऐसा डेटा होता है जिसमें हम लोग चाहते हैं कि ये उसका फॉर्मेटिंग हो, ठीक है, तो उसको पहले से डिफाइन कर दिया जाता है। और उसके लिए यहाँ पे यूज कर देते हैं हम लोग एक्सएसएल का। एक्सएसएल जो होता है वो सीएसएस के जैसे एक्सटर्नल इंटरनल नहीं होता है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एट ए मोर एडवांस लेवल इट अलाउज यू टू सॉर्ट और फिल्टर योर रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर क्राइटेरिया और क्रिएट एंड डिस्प्ले कंपाउंड और डिराइव वैल्यूज बेस्ड ऑन योर ओरिजिनल डेटा सेट। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्सएसएल है, एक्सएसएल हम लोग को कुछ एडवांस फीचर्स भी देता है। एडवांस फीचर्स मतलब अगर हम लोग को अपने डेटा को फिल्टर करना है, सॉर्ट करना है, सॉर्ट करना मीन्स ए से लेके जेड तक असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को सॉर्ट करना है उसको, तो उसका भी परमिशन देता है यहाँ पे। ठीक है, उसके अंदर हम लोग फिल्टर भी लगा सकते हैं। अगर हमारे पास 10,000 रिकॉर्ड्स है, उसमें से अगर कुछ हम लोग को पर्टिकुलर सिलेक्टेड रिकॉर्ड से डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए भी हम लोग को यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग को कुछ और डेटा वहाँ पे क्रिएट करना है या डिस्प्ले करना है, ठीक है, कुछ या डिराइव वैल्यूज, कुछ फॉर्मूलाज लगा के हम लोग को डेटा सेट बनाना है वहाँ पे, ठीक है, या फिर कोई ओरिजिनल डेटा सेट पे कुछ फॉर्मूलाज हम लोग अप्लाई करना है, तो वो भी सारा चीज हम लोग इस एक्सेल से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेसल जनरली बहुत सारे फीचर्स हम लोग को देता है।
ठीक है, बाय कीपिंग योर डेटा एक्सएमएल एंड फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शन एक्सएसएल सेपरेट, यू आर एबल टू रिफाइन एंड ऑल्टर योर लेआउट विदाउट द रिस्क ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ योर डेटा। ठीक है, देखो यहाँ पे जनरली अगर हम लोग को बेसिक फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शन हम लोग को देना है किसी भी एक्सएमएल फाइल के लिए, ठीक है, तो हम लोग को अगर एक छोटा सा ही फॉर्मेटिंग करना है तो हम लोग इंटरनल एक्सएसएल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग चाहते तो एक्सएसएल को सेपरेट फाइल में भी हम लोग इंस्ट्रक्शन दे के सेव कर सकते हैं, ठीक है। सेपरेट फाइल जैसा हम लोग सीएसएस के लिए सेपरेट फाइल स्टाइल डॉट सीएसएस, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, स्टाइल डॉट सीएसएस हमने बनाया, वैसे यहाँ पे स्टाइल डॉट एक्सएसएल नाम से भी हम लोग एक फाइल बना सकते हैं और उसको एक्सएमएल फाइल में लिंक कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर हम लोग को फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शन में कोई भी चेंजेस करना होगा तो हम लोग इस एक्सएसएल फाइल को उठाएंगे और उसमें चेंजेस करेंगे, वो हम लोग के एक्सएमएल फाइल में कभी भी कुछ भी चेंजेस नहीं करेगा, वो सारा जो चेंजेस होगा वो फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शन में ही होगा, ठीक है। तो इसे स्ट्रक्चर हम जो हमने बनाया है अपने डेटा का वो कभी भी बिगड़ेगा नहीं, स्ट्रक्चर जो बनाया कभी भी बिगड़ेगा नहीं। यू आर ऑल्सो एबल टू क्रिएट ए नंबर ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स ईच सर्विंग ए डिफरेंट पर्पस एंड अप्लाई देम एज नेसेसरी टू ए सिंगल डेटा सेट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे स्टाइल्स हम लोग कर सकते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, ठीक है, या फिर हम लोग किसी सिंगल डेटा सेट पे भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल डेटा सेट मतलब जैसे मान के चलो ये एड्रेस है, ये एड्रेस एक सिंगल डेटा सेट है, ठीक है। डेटा सेट हम लोग कैसे बोल रहे हैं, ये सारे डेटा है, ठीक है, इसको हम लोग एक कैटेगरी भी दे दिए एड्रेस, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, डेटा सेट हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग डेटा सेट के लिए भी हम लोग अलग अलग स्टाइल्स डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इन प्रैक्टिस दिस मीन्स ओनली हैविंग टू अपडेट योर डेटा इन वन प्लेस इवन इफ यू एक्सपोर्ट इट टू मैनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। हम लोग को अगर किसी भी डेटा को ट्रांसपोर्ट करना है या फिर हम लोग को 1000 जगह उसको यूज करना है, ठीक है, और हम नहीं चाहते कि 1000 जगह उसको स्टाइल करना पड़े, उस केस में हम लोग यहाँ पे एक्सएसएल लगाते हैं, क्योंकि जहां जहां वो डेटा रहेगा वहां वहां वो सेम डेटा डिस्प्ले करेगा जैसा हमने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इसी पर्पस के लिए हम लोग यहाँ पे एक्सएसएल यूज कर सकते हैं ताकि अपने डेटा को एक बेसिक फॉर्मेटिंग हम लोग कर सकें, ठीक है, बेसिक स्टाइलिंग हम लोग उसको दे सके। तो यहाँ अगर हम लोग डेटा की बात करते हैं तो डेटा जो होता है उसमें बहुत सारा स्टाइलिंग नहीं किया जाता है, ठीक है, उसको एकदम डिजाइनर फॉन्ट में दे दिए, ठीक है, एकदम भड़कीला कलर दे दिए, ठीक है, क्योंकि एक बेसिक जैसे मान के चलो ये एक डेटा है, ठीक है, एक नोट्स मैंने बनाया है इसका, एक डेटा है सिंपल सा, ठीक है, इसका फॉन्ट जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कोई कर्सिव राइटिंग में नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्लियर होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, या फिर जो साइज है उसका 12 होना चाहिए, 14 होना चाहिए, इस प्रकार से पहले से हमने इसको डिफाइन किया। जहां पे भी मैं डेटा शेयर करूंगा, ठीक है, वहां वहां सेम टाइप से ही वो डिस्प्ले होगा, सेम ही वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो ये था एक्सएसएल और हम लोग इसको एक्सएमएल के साथ में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चार चीजें देखें, चार चीजें हम लोग देखें इसमें, तो सबसे पहला था यहाँ पे XHTML, ठीक है। XHTML होता है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, जिसको हम लोग HTML प्लस XML दोनों यूज करके बनाते हैं, ठीक है। XHTML मतलब XML और HTML दोनों इसके अंदर आएंगे, ठीक है। सेकंड हम लोग ने देखा CSS, CSS मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि XHTML और HTML दोनों में अप्लाई किया जाता है स्टाइलिंग के लिए, ठीक है। स्टाइलिंग मतलब उसका फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, इस टाइप से अलग अलग टाइप के स्टाइल्स हम लोग दे सकते हैं। फिर उसके बाद आता है XML, ठीक है। XML क्या करता है, XML इज डिजाइन टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा। अगर हम लोग कोई वेब में, ठीक
ठीक है, वेब में मतलब इंटरनेट में अगर हम लोगों को कोई भी डेटा को स्टोर करना है और ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना है, उस केस पे हम लोग एक्सएमएल का यूज करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है एक्सएसएल। अगर हम लोग को उस डेटा पे कोई भी बेसिक टाइप की स्टाइलिंग करनी है तो हम लोग एक्सएसएल का यूज करते हैं। ठीक है, तो चार टाइप के टर्म्स हैं, चारों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आते ही आते, एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा ये चारों टॉपिक।